हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। नया दिन, नई सुबह और पुराने वही काम। सो देखिए, सनशाइन आज अगेन। थोड़ा सा वेदर क्लाउडी क्लाउडी है। यहाँ ब्रेकफास्ट करने की तैयारी है तो मैं पीनट्स फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े ही सिंपल तरीके से हमारे पोहे बनते हैं। जीरा राई मैंने डाल दिया है कढ़ी में और उसके बाद यहाँ पे मैंने करी लीव्स डाल के भाग गई हूँ ताकि मेरे फेस पे ना उड़े। तो बस ये कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने यहाँ पे करी लीव्स, और साथ में अब मैं डाल दूंगी ग्रीन चिलीज। तो ग्रीन चिलीज मैंने डाल दी है छोटी छोटी कट की हुई, बहुत लोग स्लिट की हुई भी डालते हैं। सो ये जब अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद मैंने अनियन ऐड कर दिए है फाइनली चॉप्ड, और इसे अच्छे से मैं सौते करूँगी। एंड ये जब तक सौते हो रहे हैं आप जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर दो भाई जल्दी से प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो देखिए एंड तक, पता चलेगा क्या क्या हुआ है आज। सो यहाँ पे बेसिक मसाले एकदम डालती है, सिर्फ हल्दी मैंने डाली है, धनिया पाउडर और सॉल्ट डाला है, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। प्याज भी अच्छे से मेरे भून गया है। उसके बाद मैंने ये पोहा जो है पानी से निकाल के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है, देखिए। सो पोहे में आप चाहे जितनी चीज़ें डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, इट्स अप टू योर चॉइस। तो मैं जब भी पोहा बनाती हूँ मैं थोड़ा बेसिक ही बनाती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा मैं आलू ऐड कर देती हूँ फ्राई किए हुए और पीनट्स, और उसके बाद सारी मैं अपनी बेसिक चीज़ें बस प्याज और मिर्ची वगैरह। और जब भी मैं पोहा बनाती हूँ ना, मुझे वो जब हम हॉस्टल में थे ना कॉलेज में, जब मैं नागपुर में थी तो वहाँ पे तरी पोहा मिलता था, अभी भी मिलता ही है ऑब्वियसली वहाँ पे। तो मैं जब भी पोहा बनाती हूँ मुझे वह तरी की बहुत याद आती है, अच्छा लगता है टेस्टी उसके साथ। सो यहाँ पर देखिए धनिया मैंने ऐड कर दिया है और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा मस्त सा आलू पोहा बन के रेडी हो गया है, मतलब आलू नहीं डाले बट पोहा यम्मी सा बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके अब रख दिया है, और साथ में इधर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सो यहाँ पे दूध मैंने ले लिया है, मिल्क अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैं अपना चाय पे बना लूँगी। सो यहाँ पोहे की प्लेट में लगा रही हूँ बिकॉज सुबह उठ के यार भूख लग जाती है नाश्ते के लिए एकदम। ऐसा लगता है कोई बना बनाया नाश्ता मिल जाए, बट वेल अपने हाथ से बना के ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए लग गई है हमारी पोहे की प्लेट, गर्मा गर्म से पोहे मस्त सब मैं खाने वाली हूँ, और उसके बाद हम करेंगे अपने बाकी का काम। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लॉग इन कर लिया था मैंने, उसके बाद लंच वगैरह किया, नहा के मैं रेडी भी हो गई थी, दिन का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। और ये देखिए शाम की बस चाय हमारी बन रही है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स को अपने पानी भी दे दिया है। शाम का टाइम था, या तो सुबह देते या तो शाम को, तो मैं शाम को देती। और चाय आज एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो